नमस्कार, मैं हूं अदिति राठी। पुणे के एमसीए स्टेडियम में चल रही ओडीआई सीरीज को भारत ने 2-1 से अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जीत के सबसे बड़े हीरो कौन माने जाते हैं। तो सबसे पहला मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है ऋषभ पंत को हम एक बड़ा हीरो मान सकते हैं। अभिषेक जी जुड़ गए हैं मेरे साथ चर्चा के लिए, वो बताएंगे कि ऋषभ पंत को हम एक बड़ा हीरो क्यों मानते हैं। हाँ बिल्कुल अदिति, आपने सही कहा। देखिए, जिस वक्त ऋषभ पंत आए थे उस वक्त टीम इंडिया मुश्किल में थी, सारे ऊपर के बल्लेबाज आउट हो चुके थे, तो आपको इंग्लैंड से अगर ये सीरीज जीतनी थी तो आपको एक बड़ा स्कोर देना था, क्योंकि भारत पहला एक मैच हार चुका था, 330 से ऊपर का रन चेज इंग्लैंड कर चुकी थी, तो आपको आज दरकार थी कि आप 340 या 350 रन बनाएं। तो उस वक्त के लिए अगर ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी ना करते तो शायद भारत 250 या 300 के अंदर अंदर से बढ़ जाती। बिल्कुल। लेकिन ऋषभ पंत ने दबाव नहीं आने दिया, रन लगातार बनाते चले गए, चौके छक्के लगाते चले गए। उससे क्या हुआ, उससे इंग्लैंड के गेंदबाजों पर प्रेशर लगातार बना रहा। तो ऋषभ पंत को वास्तव में मैं मानता हूं कि पहला जीत का हीरो हम ऋषभ पंत को मानते हैं। और जब श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए थे, जब उनकी जगह ऋषभ पंत को लिया गया, तो मुझे लगता है बिल्कुल सही डिसीजन था ये। वो उसमें खरे उतर के दिखाया उन्होंने दोनों मैचेस के। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा हीरो क्या आप शिखर धवन को मानेंगे? बिल्कुल, देखिए शिखर धवन को इसलिए क्योंकि हम जब मैच से पहले चर्चा कर रहे थे तब हम बता रहे थे कि किसी भी टीम का ओपनर जो होता है वो टीम की नींव होता है। आपकी मकान की अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो मकान ढह जाएगा। मकान की नींव मजबूत होगी तो मकान टिका रहेगा, सालों साल टिका रहेगा। तो उसी तरह से नींव होता है ओपनर, और ओपनर थे शिखर धवन। तो शिखर धवन से सभी को उम्मीद थी और उम्मीदों पर शिखर धवन पूरा उतरे, खरा उतरे। तो शिखर धवन अगर टीम इंडिया को ओपनर के तौर पर शिखर धवन अच्छी शुरुआत ना देते तो भी मुश्किल थी। तो आज 103 रन की पार्टनरशिप हुई अदिति टीम इंडिया के ओपनर्स की, और वो जो पार्टनरशिप थी, वो जो नींव थी 103 रन की, उसी ने टीम इंडिया को इस स्कोर तक पहुंचा और टीम इंडिया जीती। तो मैं कहूंगा कि दूसरा जो कारण था जीत का वो शिखर धवन। अच्छा, और तीसरा कारण मुझे लगता है, तीसरे जो बड़े हीरो बनकर साबित हुए इस पूरी सीरीज में, मुझे लगता है हार्दिक पांड्या होने चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ देखिए, हार्दिक पांड्या ने इस सीरीज में बताया है कि वो ऑलराउंड प्रदर्शन करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। जी, पूरी तरह से। कप्तान विराट कोहली का भरोसा उन्होंने पूरी तरह से जीत लिया है। जब ऋषभ पंत के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे थे तब बड़ा शानदार लग रहा था देखकर दोनों को। उस वक्त ऐसा लग रहा था मुझे तो कि टीम इंडिया शायद 400 रन ना बना दे, 255 के लगभग रन 35 या 36 ओवर में हो चुके थे, आपके पास 15 ओवर बचे थे, 90 गेंद बची थी, और उस वक्त आपके पास हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत जैसा बल्लेबाज क्रीज पर था। तो कोई भी बोल सकता है कि 90 गेंदों में कोई भी 150 रन बना देगा अगर इस तरह का बल्लेबाज है। मुझे तो लग रहा था कि 400 रन बना देगी टीम इंडिया, लेकिन दोनों आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली और टीम इंडिया का स्कोर कम रह गया। लेकिन दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करी और हार्दिक पांड्या ने आज गेंदबाजी से भी अपना योगदान दिया टीम इंडिया में। जहां एक मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि 40 ओवर तो ठीक है, लेकिन 50वें ओवर के जो 10 ओवर हैं वो कौन डालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या कौन डालेगा, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और अच्छे ओवर डाले। तो हार्दिक पांड्या मेरा एक जीत का तीसरा सबसे बड़ा। बिल्कुल। और चौथे जो हीरो हैं, अगर उनकी मैं बात करूं, मतलब जितना उनके बारे में बोले जाए उतना कम है, मैं बात कर रही हूं भुवनेश्वर कुमार की। वो चौथे सबसे बड़े हीरो हम उनको मानेंगे, और इसके पीछे आप क्या कारण देंगे? देखिए, किसी भी ओपनर गेंदबाज, जैसे जिस तरह से ओपनर बल्लेबाज का काम होता है अच्छी शुरुआत देना रनों के लिहाज से, उसी तरह से ओपनर गेंदबाज का काम होता है गेंद से अच्छी शुरुआत देना। और भुवनेश्वर कुमार से जो उम्मीद थी, जैसा कि हम पहले भी मैच से पहले चर्चा कर रहे थे कि शुरुआती झटके दे अगर भुवनेश्वर कुमार दे देते हैं तो टीम इंडिया की जीत आसान हो जाएगी। तो भुवनेश्वर कुमार ने वो काम करके दिखाया और अपनी स्विंग का जो कमाल है, जिसको कहा जाता है कि भुवनेश्वर कुमार स्विंग के जादूगर हैं, स्विंग के कमाल की स्विंग करते हैं, वो उन्होंने दिखाया। अंदर आती दो गेंदों पर दोनों इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धराशायी कर दिया, एक बोल्ड एक LBW, भारत को दो विकेट मिले। बिल्कुल, बल्ले बल्ले। और विकेट भी किसके, बेयरस्टो, जो कि सबसे खतरनाक प्लेयर माने जाते हैं इंग्लैंड टीम की तरफ से। उन्होंने पिछले मैच में जो दूसरा मैच था उसमें उन्होंने 124 रन बना डाले, मतलब लेकिन अब जो है भुवनेश्वर कुमार ने उनको चित्त कर दिया और कहीं ना कहीं मैच जो है धीरे से भारत की झोली में अटक। देखिए, आज भारत के लिहाज से दोनों चीज अच्छी थी, ओपनर बल्लेबाजी भी अच्छी रही, 103 रन की पार्टनरशिप हुई, ओपनर गेंदबाजी भी अच्छी रही, दो विकेट मिले, तो अच्छे संकेत अच्छा रिजल्ट वो भुवनेश्वर कुमार ने किया। पांचवे हम बड़े हीरो की बात कर लेते हैं, शार्दुल ठाकुर, इनके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, पांचवा मैं कह सकता हूँ टी नटराजन।
जी टी नटराजन शार्दुल ठाकुर और टी नटराजन को मैं कंबाइंड करके रख सकता हूँ। अच्छा हाँ, क्योंकि एक यूनिट बना के हाँ दोनों को मैं किसी को कम नहीं आ सकता, दोनों ही बराबर के हैं। शार्दुल ने 30 रन भी बनाए, 30 के लगभग रन बनाए और 4 विकेट भी लिए, तो वहीं टी नटराजन ने जिम्मेदारी दिखाई। उन्होंने बताया कि आखिर में आकर किस तरह से आप टीम को जिता सकते हैं, प्रेशर में किस तरह से गेंदबाजी कर सकते हैं, और कुलदीप यादव की जगह उनको शामिल किया गया था तो भरोसे पर खरा भी उतरना था। तो जाहिर तौर पर आज का मैच टी नटराजन के लिए बहुत कुछ सिखाने वाला होगा, वो ये सीख गए होंगे कि प्रेशर में गेंदबाजी किस तरह से की जाती है। उनको वैसे अब जो है जो ज्यादा विख्यात हुए हैं वो इसलिए कि वो एक विकेट में दो दो एक ओवर में दो दो विकेट तक शार्दुल ठाकुर लेकर डाल सकते हैं। शार्दुल ठाकुर की मैं बात कर रही हूँ और गजब की उन्होंने जो है पारी खेली है। बिल्कुल बिल्कुल गजब की पारी खेली। मैं दोनों को ही पांचवें स्थान पर रखना चाहूंगा और दोनों ही नहीं कमाल की गेंदबाजी करी है, बल्कि शार्दुल ठाकुर को तो मैं बोलना चाहूंगा कि उनको आज मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला, बड़े निराश होंगे। वैसे तो आज हम 5 हीरो की बात कर रहे हैं लेकिन फिर एक जो हीरो है, वैसे तो सारे ही हीरो हैं टीम इंडिया में अपने आप में, सबने किसी ना किसी तरीके से अपना योगदान दिया है, लेकिन एक और हीरो है उनको, वो भी हीरो ही है, हीरो से कोई कम नहीं है, और हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली। बिल्कुल जी, उनका जो कैच है उसने आज उनके जो सारे दाग धब्बे थे सबको वॉश कर दिया है। बिल्कुल हाँ, जो रन नहीं बनाए विराट कोहली फेल हो गए, सबने सवाल खड़े किए कि कप्तान ही नहीं चला फाइनल में तो क्या होगा, लेकिन उनका जो कैच था वो कैच इतिहास बन गया है, उस कैच ने मैच को भारत की तरफ कर दिया है, ये उसी टाइम हो गया था। हालांकि वो कैच वायरल बहुत हो रहा है क्योंकि खुद विराट कोहली जो है वो हक्के बक्के रह गए थे कैच लेने के बाद, उनको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया, वो डाइव कर रहे थे बॉल की तरफ और उठकर देखा तो बॉल हाथ में और वो एक आउट। विराट कोहली और जडेजा ये कुछ ऐसे फील्डर हैं जो मुश्किल कैच को भी लेने की कोशिश करते हैं जी। वो कैच से दूर नहीं भागते हैं, तो कोहली ने भी कुछ ऐसा ही प्रयास किया कि गेंद दूर थी, उन्होंने ड्राइव लगाई और ड्राइव लगा के गेंद हाथ जो था वो गेंद तक पहुंच चुका था जी। और गेंद फंस गई हाथ में, तो ये कैच यादगार हो गया, इतिहास बन गया। 200वें मैच में कप्तानी के तौर पर इस तरह का कैच लेना, टीम को जिताना, ट्रॉफी जीतना, कई लिहाज से भारत के लिए, विराट कोहली के लिए मैच यादगार रहा। और ये 5 हीरो जो हैं, हम ये खबर इसलिए बनाकर दिखा रहे हैं क्योंकि ये वायरल हो रही है, जो विराट कोहली का जो कैच खासकर जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद जो उनके एक्सप्रेशन थे वो हक्के बक्के रह गए, उनको समझ में नहीं आया क्या हो गया, कैसे आउट हो गया, उन्होंने एक कैच ले लिया और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं टीम इंडिया को जीत में मदद मिली और इसीलिए हम इनको हीरोज कह रहे हैं। तो ये हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और स्पोर्ट आर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।